दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप अपने पार्टनर को एमटीपी किट या फिर यूं कहें कि अनवांटेड किट, कोई भी अबॉर्शन किट खिलाते हो अबॉर्ट करने के लिए या फिर यूं कहें कि गर्भपात जो है कराने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जब महिलाएं एमटीपी किट का यूज कर लेती हैं तो उन्हें प्रॉपर जो है 4 से 5 दिन, 6 दिन या फिर 7 डे तक ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग होने के बाद जब उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो महिलाओं के दिमाग में अक्सर एक सवाल चलने लगता है कि प्रॉपर जो है अब मैं अबॉर्ट हो चुकी हूँ, मेरी सफाई जो है प्रॉपर अब हो चुकी है, और अब अगर मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ तो वह निगेटिव आता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो 6-7 दिन या फिर 8 दिन बाद प्रेगनेंसी फिर से टेस्ट करती है तो फिर से वो पॉजिटिव ही वहाँ पर दिखाता है। तो इस बात को लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैंने एमटीपी किट यूज़ की है, दवा क्या सही से काम नहीं कर पाई है, क्या कोई कड़ अंदर रह गया है, ये सारे डाउट्स उनके मन में चलने लगते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर वॉच करना क्योंकि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपने पार्टनर को एमटीपी किट यूज करवाई है और यूज करवाए हुए कई दिन हो गए हैं और आपके पार्टनर की जो ब्लीडिंग है ब्लीडिंग भी प्रॉपर स्टॉप हो चुकी है और अब आप चेक करना चाहते हैं कि अब जो है मेरा प्रॉपर अबॉर्ट हो गया है कि नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि एक प्रेगनेंसी किट लाते हैं और प्रेगनेंसी किट में 2-4 बूंद यूरिन के डालते हैं और जैसे यूरिन के 2-4 बूंद उसमें डालते हैं तो फिर से जो परिणाम होता है वो पॉजिटिव ही आता है। यह देख कर आप काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत सारे मन में आपके विचार चलने लगते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि दोस्तों जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाना चालू कर देती है जिससे आप जो है चेक कर पाते हो कि प्रेगनेंसी उन्हें है या फिर नहीं है क्योंकि वह यूरिन द्वारा रिलीज होता रहता है। और जब आप अपने पार्टनर को एडवांटेड किट या फिर एमटीपी किट्स अबॉर्शन के लिए देते हो तो जब अबॉर्शन प्रॉपर हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, उसके बाद भी 20-25 दिन ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फीमेल को रिलीज होता रहता है जिस कारण जब आप चेक कर लेते हो 20-25 दिन के अंदर ही चेक करते हो तो आपको प्रेगनेंसी किट में परिणाम पॉजिटिव ही दिखते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है आप चेक करना चाहते हो तो मिनिमम जो है 25 दिन के बाद चेक कीजिए तो जो है आपको ये निगेटिव दिखाएगा। बट दोस्तों अगर आप जो है 25 दिन के पहले ही चेक करने लगते हो या फिर 20 दिन के पहले ही चेक करने लगते हो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज हो रहे होते हैं जिस कारण जो है यह पॉजिटिव दिखाता है। तो दोस्तों इसमें जो है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी किट खिलाने के बाद जो है 25 दिन बाद 20 दिन बाद आप चेक कीजिए, अगर उसके बाद भी 25 दिन के बाद भी जो है यह पॉजिटिव आ रहा है तो बेशक जो है अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जो है दिखा सकते हो। सो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड